समस्तीपुर में बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। सरायगंज बाजार में फायरिंग से दहशत सड़क दुर्घटना को लेकर हुआ था विवाद। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गाड़ी पर पथराव। किसानों के महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे थे अश्विनी चौबे, स्थानीय लोगों ने लगाया सियासत करने का आरोप। बक्सर के चौसा में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को भिजवाना पड़ा किसानों का विरोध। बवाल के बाद किसान से मिले पहुंचे थे सम्राट चौधरी। लाठीचार्ज के बाद बक्सर में किसानों ने लगाया न्याय चौपाल। मुआवजे के लिए बनाई गई रणनीति। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश दरभंगा पहुंचे। दलित बस्ती में विकास कार्यों का लिया जायजा। दरभंगा में सीएम ने नव निर्मित तारा मंडल का किया उद्घाटन। सीएम के समाधान यात्रा पर एमएलसी ने साधा निशाना। कहा यात्रा के बहाने जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं नीतीश। दिल्ली में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर केस दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने द्वारका साइबर थाने में दर्ज करवाई शिकायत। रामचरितमानस पर दिया था विवादित बयान। अपने विवादित बयान पर कायम है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। जीप काटने की धमकी देने वालों को बताया पाखंड। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर नीतीश कुमार का बयान। कहा हमें उनके विवादित बयान की जानकारी नहीं। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बिहार में छिड़ा सियासी महाभारत। बीजेपी के साथ साथ संतों ने की बयान की निंदा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बिचौल ने बोला हमला। सीएम से की कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग। शिक्षा मंत्री पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बड़ा आरोप। कहा शिक्षा मंत्री महाबोगस ही नहीं बल्कि महाझूठे हैं। चुनावी पर्चा में जाते लिखकर मांगते हैं वोट। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी ने आरजेडी की मंशा पर खड़े किया सवाल। कहा बयान के लिए तेजस्वी यादव मांगे माफी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू का पलटवार। नीरज कुमार ने की बयान की निंदा। कहा सरकार ले शिक्षा मंत्री से इस्तीफा। आरजेडी नेता चंद्रशेखर के बयान पर गुस्से में पूरा संत समुदाय। विरोध जताते हुए मंत्री को बताया मूर्ख और पद से हटाने की कर दी मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान का श्री राम सेना ने किया विरोध। कहा शिक्षा मंत्री के पद के लिए अयोग्य है चंद्रशेखर। राजू दास महंत हनुमानगढ़ी ने की बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा। कहा मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। रांची में कांग्रेस कमेटी कार्य समिति की बैठक। रामगढ़ उपचुनाव लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। संगठन की मजबूती के लिए बनाई गई रणनीति। रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ आजसू का उठो जागो संकल्प मार्च। सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप। कहा आश्वासन के बाद युवाओं को नहीं मिला कुछ। बागबारा विधायक ढुल्लू महतो से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। कहा बारूद पर खड़ा है पूरा धनबाद। बाबूलाल ने पारसनाथ मामले में दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा सरकार को वहां की समस्या का समाधान करना चाहिए। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय समर्थकों पर हमले से नाराज। डीजीपी कार्यालय में धरना देने की दी चेतावनी। बक्सर हिंसा मामले में पहली कार्रवाई। डीआईजी के आदेश पर थानेदार अमित कुमार सस्पेंड। निर्मल कुमार को दी गई थानेदार की जिम्मेदारी। बक्सर के चौसा में उपद्रव के शिकार हुए 8 पुलिसकर्मी। कई पुलिसकर्मियों को घायल अस्पताल में किए गए भर्ती। बोकारो में तेनुघाट गेस्ट हाउस के पीछे से मिला शव। पेड़ से लटका हुआ था शव। घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। रोहतास के नहोना गांव में पंचायत समिति सदस्य रीता कुमारी की आवाज पर फायरिंग। चुनावी रंजिश में गोलीबारी की आशंका। देवघर में साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस पर पथराव। ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को किया क्षतिग्रस्त। रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ने किया अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब किया जब्त। 2 तस्कर और 1 वाहन चालक गिरफ्तार। नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में मामूली विवाद के बाद बुआ और भतीजे ने की खुदकुशी की कोशिश। जहर खाने के बाद गंभीर हुई हालत। गोपालगंज में 2 छात्रों को अज्ञात अपराधियों ने मारा चाकू। मोबाइल छीनने के दौरान मारा चाकू। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। नवादा पुलिस ने 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 11 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई में पिता की डांट से नाराज युवक ने की खुदकुशी। ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। गुमला में आर्मी जवान के धारदार हथियार से हत्या। बीच बचाव में पत्नी भी हुई घायल। घटना के बाद पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। छबरा में चोरी की गई मूर्तियां। झाड़ियों से बरामद हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति हुई थी चोरी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 26 लीटर महुआ शराब के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार। शराब पीने और बेचने का है आरोप। समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। हजारों की संपत्ति जलकर राख। हादसे में बुरी तरीके से झुलसा एक व्यक्ति। अस्पताल में भर्ती। सरायकेला में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर 1 महिला और 1 बच्चे की मौत। 3 घायल। रंगा माटिया के रहने वाले थे सभी मृतक। कटिहार में आग लगने से एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख। फलका प्रखंड के मघेली पंचायत में हुआ हादसा। पगाम में ट्रक की टंकी ब्लास्ट से एक की मौत। डीजल टंकी में विस्फोट से पप्पू मिश्री की मौत। आरा में सड़क हादसे में 1 जीविका कर्मी की मौत। पिकअप वैन और बाइक में टक्कर से हुआ हादसा। मधेपुरा में ट्रक और कार की टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सरायकेला में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 7 लोगों की हुई मौत। बेकाबू पिकअप वैन पलटने से हादसा। घटनास्थल पर रवाना हुई पुलिस। गोड्डा के महगामा में घर में आग लगने से बेघर हुए 8 परिवार। सरकारी सहायता नहीं मिलने से परिजन परेशान। ठंड में किसी तरीके से रहने को मजबूर। सुखाड़ की हकीकत जानने के लिए 3 दिवसों से ही टीम पहुंची गढ़वा। गांव में जाकर खेतों का लिया जायजा। रांची में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर डीएम ऑफिस परिसर से जागरूकता रथ रवाना। जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद।
रांची में युवा शक्ति संस्था ने की नशे के खिलाफ बड़ी कानून की मांग। व्यापक अभियान के तहत निकाला गया मार्च। रोहतास में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर ECRKU का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। सरायकेला में मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर कंपनी शौर्या प्लास्टो की जांच। कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का आरोप। जांच के बाद एसटीओ ने दी क्लीन चिट। बोकारो में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर उन्मुखी कार्यशाला का आयोजन। राम रुद्र प्लस टू हाई स्कूल चास के सभागार में किया गया आयोजन। झारखंड बिजली विभाग के जीवन के दिवसीय दौरे पर गुमला पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। रोहतास में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान। डीसीओ ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। मगध जोन के आईजी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अरवल। लगीसराय में एसएसपी जवानों ने बांटे राहत सामग्री। जरूरतमंद किसानों के उत्थान के लिए स्प्रे मशीन, कुदाल, टॉर्च लाइट का किया वितरण। रोहतास सदर अस्पताल में कड़ाके की ठंड से मरीज परेशान। वार्डों में ठंड से बचाव की नहीं है कोई व्यवस्था। मरीजों की ने की रूम हीटर लगाने की मांग। समस्तीपुर में राशन की मांग को लेकर उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा स्मार पत्र। लगीसराय में मुंगेर मंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक विद्या सागर सिंह ने नगर के इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्रों को प्रोत्साहित किया है। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में दो पक्षों में विवाद के बाद फसल में लगाई गई आग। आगजनी से मसूर और सरसों की फसल बर्बाद। शेखपुरा में नवनिर्वाचित नगर परिषद रश्मि देवी के निर्वाचन को हो सकता है रद्द। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप। चुनाव आयोग कभी भी रद्द कर सकता है निर्वाचन। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में सिंध। रोड शो के दौरान पीएम की कार के पास माला लेकर पहुंचा युवक। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में सिंध। रोड शो के दौरान पीएम की कार के पास माला लेकर पहुंचा युवक। हुबली में पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। बोले भारत को आगे ले जाने का ले संकल्प। एलएसी पर आर्मी चीफ मनोज पांडे का बयान का पूरी तरीके से नियंत्रण में हालात। सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। ग्लोबल साउथ समिति में बोले पीएम मोदी दक्षिण की आवाज बढ़ाता हमारा मकसद। 21वीं सदी में बजेगा भारत का डंडा। विज्ञापन पर वसूली नोटिस को लेकर सियासी घमासान। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी बोली जनता के पैसों का हो दुरुपयोग। करतारपुर साहिब कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। ISI को सौंपी कॉरिडोर की जिम्मेदारी। ऑफ कुरैशी को बनाया गया CEO। कंझावला केस में जांच तेज। गुजरात से आई 5 सदस्यों की फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। वारदात में शामिल कार का किया मुआयना। दिल्ली में मंगोलपुरी में महिला का मर्डर। आरोपियों ने हिंदू महिला की हत्या कर कब्रिस्तान में दफनाया। तीनों आरोपी गिरफ्तार। आगरा कानपुर हाईवे पर घने कोहरे की वजह से हुआ बड़ा सड़क हादसा। रोडवेज बस समेत 6 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कई लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। बोले आजादी की लड़ाई में सावरकर का योगदान। क्रांतिकारियों का दबाया गया इतिहास। पीएम मोदी का कल गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए होगी रवाना। 5 प्रदेशों और बांग्लादेश से होकर गुजरेगा क्रूज। इसका पहला पड़ाव गाजीपुर होगा। पर्यटकों को ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। जोशीमठ में होटल को गिराने का काम शुरू। होटल से हटाया गया जनरेटर और पानी की टंकी। होटल की छत से शुरू होगा तोड़ने का काम। जोशीमठ आपदा को लेकर एक्शन में उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर डटे। राहत शिविरों में हो रहे पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। आपदाग्रस्त जोशीमठ पर अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। करीब 1 घंटे तक हुआ मंथन। मीटिंग में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। जोशीमठ में सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर जोशीमठ आपदा के लिए जानकारी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। गुजरात के भरूच में फार्मा कंपनी में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। भरूच में आग लगने के बाद आसपास के लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत। भरूच में हादसे के बाद गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग। लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया जा रहा शिफ्ट। भरूच में आग लगने वाली जगह के आसपास वातावरण सामान्य करने की कोशिश। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्लियरेंस के बाद ही लोगों को वापस गांव किया जाएगा शिफ्ट। राजस्थान के उदयपुर में कार के शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। जम्मू कश्मीर में शिव खोड़ी धाम के नजदीक हादसा। खाई में पलटी श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस। हादसे में 18 श्रद्धालु घायल जिसका अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद कटरा की तरफ से लौट रहे श्रद्धालु। स्थानीय लोगों ने की मानी तो सड़क खराब होने की वजह से खाई में पलटी बस। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। नोएडा और गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में ई रिक्शा में नाबालिग से गैंगरेप। परेशान हालत में पुलिस को मिली पीड़ित। घर से नाराज होकर निकली थी बच्ची। दोनों आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में नक्सली हिडमा के मारे जाने की सूचना। कई बड़ी वारदातों में शामिल। बरेली में प्रॉपर्टी विवाद में दो पक्षों में मारपीट की खबर। 3 लोगों की मौत, 3 घायल।
उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक, बारिश के बाद बढ़ी ठिठुर। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में एवलांच, बाटलटाल के पास आया बर्फीला तूफान, अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर उर्फ बर्फ की सफेद चादर से ढका, स्नोफॉल से गुलमर्ग हुआ गुलजार, अगले 4-5 दिन भी भारी बर्फबारी की संभावना। गुलमर्ग में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले, गुलमर्ग में 6 इंच गिरी बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार हो रही बर्फबारी, हर तरफ दिखाई दे रहा बर्फ की चादर, स्नो हब बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग में हर इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी, बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान में भुखमरी की हालत, सस्ते आटे के लिए देखिए मारामारी, लोगों में जमकर हुई धक्का मुक्की। पाकिस्तान में खाने के लिए उग्र हुए लोग, सस्ते आटे के लिए एक शख्स को नाले में धकेलते नजर आए। जापान में बड़ा सड़क हादसा, एक साथ टकराई 20 गाड़ियां, 10 लोग घायल। जापान में तेज रफ्तार की वजह से हादसा, कई गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान, हादसे की वजह से हाईवे हुआ ब्लॉक। चीन के ग्वांगझू में बड़ा हादसा, एक बिजी क्रॉसिंग की वजह से हादसा।